हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में डिप्टी स्पीकर व नलवा के विधायक रणवीर गंगवा ने आज अधिकारियों की बैठक ली। रणवीर गंगवा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर बनाए जाने के बाद हिसार में अधिकारियों की बैठक ली थी। सभी अधिकारियों से कहा गया कि लोगों की जन समस्याएं दूर करवाएं और सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उन पर लागू होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी कोताही बरतेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी आभार जताया और कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि नलवा के लिए जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करेंगे और योजनाओं को लागू करवाने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बीजेपी सरकार में युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम भी किया जाएगा। जेजेपी बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी है, इसलिए दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य करवाएंगे। आज डिप्टी स्पीकर बनाए जाने पर मैं पहली बार हिसार आने के बाद में तमाम जिले के अधिकारियों की मीटिंग लेकर के अधिकारियों को निर्देश देने का काम किया है कि जनता को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, अधिकारी अपना काम ठीक तरीके से करे, चाहे बिजली की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे तहसील कार्यालय की बात है, किसी को कोई चक्कर ना काटने पड़े ये सुनिश्चित करें। इस तरह के दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए हैं और जो सरकार जिन जिन योजनाओं को लागू करने के लिए लागू की है वो अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और कोई भी अधिकारी अगर अपने काम में कोताही बरतेगा तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए आज पूरे जिले की एक फॉर्मल मीटिंग थी, आप लोगों के माध्यम से मैं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड का भी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और तमाम सीनियर नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के 70वें संवैधानिक दिवस के ऊपर मुझे डिप्टी स्पीकर का पद सौंप करके जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि उसके ऊपर खरा उतरूं। और मैं तमाम हिसार वासियों को भी, विशेषकर नलवा क्षेत्र के निवासियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जिता करके इस पद तक पहुंचने के योग्य बनाया। और उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो वायदे हमने चुनाव के समय लोगों से किए थे उनको जल्द से जल्द पूरा करके लोगों को जो सरकार का जो लाभ है वो पहुंचाने का काम करेंगे, सरकार की नीतियों का जो लाभ है वो पहुंचाने का काम करेंगे, ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास है। और उसके तहत जिस तरीके से चाहे वो मेरिट पे आधार पे नौकरियां देने का काम किया और एक सिस्टम बना हुआ था कि नौकरियां केवल और केवल सरकार जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे एमएलए है, मंत्री है, उनकी सिफारिश पर मिलती थी या फिर जो लोग केवल नौकरी लगे हुए हैं उन्हीं के इर्द गिर्द सरकारी सर्विसेज चलती थी, वो ना हो करके उन लोगों के जो वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर जिनके घरों में कोई नौकरी नहीं है उनको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा दे करके ताकि उन लोगों को भी जो वंचित रह गए उनको भी उसका लाभ मिल सके, इस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। इस बार जैसे आपको पता ही है कि जेजेपी भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, तमाम दोनों पार्टियां मिलकर के जो विकास पिछले 5 सालों में किया उसको और ज़्यादा गति देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में
हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम करेंगे। वही इस मामले में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि विपक्ष के लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसाधन हमारे पास हैं वो सबको बराबर मिलेंगे। पानी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम जन तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। बीजेपी में लोगों का विश्वास बढ़ा है, सरकार ने धारा 370 लागू की है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा करके उससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिलवाने का काम करेंगे। देखिए, जहाँ कहीं कोई जब किसी चीज़ के अंदर कोई सुधार करने का काम करते हैं तो फिर जो विपक्ष के लोग हैं वो केवल और केवल उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज वो इस तरीके की बात करके और लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सरकार व्यापारियों को भी किसानों को भी कोई दिक्कत ना हो, व्यापारियों का भी व्यापार ठीक तरीके से चले, इस तरीके के पूरे प्रयास सरकार की तरफ से है। सर, जब ये जो है पानी जो है, पहले एक सप्ताह में दो बार सिंचाई पानी मिलता था इशार के किसानों को, अब जो है 17-18 दिन में एक बार मिलता है। इसको लेके जल संघर्ष समिति भी बनी हुई है, आज उसकी मीटिंग भी है। इस दिशा में आपके मैनिफेस्टो में भी था, तो क्या इस दिशा में प्रयास करेंगे दोबारा से दो बार पानी मिले सप्ताह में किसानों को? देखिए, अभी जो पानी हमारे पास है, आज भी अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि जो संसाधन हमारे पास एज ऑन टूडे है वो सबको बराबर मिले। उसके अलावा जो अभी जो पानी जो चल रहा है वो दो बारी तो हम नहीं दे पा रहे महीने के अंदर, क्योंकि जितना पानी हमारे पास अभी है उसमें हमारा प्रयास ये है सरकार का कि और पानी यहाँ ला करके और उसको दो बार महीने में करने का प्रयास जरूर है, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा। आज के दिन तो जितनी चीज़ें हमारे पास है उसका वितरण ठीक तरीके से हो, उसमें किसी के साथ कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस तरीके के निर्देश हमने अधिकारियों को दिए। रूल बीबीएमबी से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी रिकॉर्ड में जो है वो इशार के लिए है, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से वाया शिवानी माइनर से होकर भिवानी जा रहा है और यही किसानों की डिमांड है। क्या उसको दुरुस्त कराया जाएगा? अगर ये बात बीबीएमबी के पास जाएगी तो वो पानी वहाँ से भी बंद हो जाएगा बजाय इशार को मिलने की। शिवानी भी भिवानी भी हरियाणा का पार्ट है, कोई वो दूसरे स्टेट का पार्ट नहीं है। ये सरकार को देखना है कि जहाँ कोई दिक्कत है पीने के पानी की वहाँ पीने का पानी दिया भी जाता है। जैसे मैंने कहा, आज हमारे पास जो एक बार पानी आता है वो ठीक तरीके से सबके पास पहुँचे, टेल तक पूरा पहुँचे, इस बात का प्रयास है। और आने वाले दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे और उन्होंने भी कहा था कि इस बात का प्रयास है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर लोगों का विश्वास जगा है, जिस तरीके से चाहे वो धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे अभी आपके बीच में सरकार ने ठीक पैरवी करके जो लंबित मामला था अयोध्या का वो निपटाने का काम किया हो, और भी जो इस तरीके के जो फैसले जो लंबित फैसले हैं उनको करने का काम किया। जिस तरीके से हमारा लंबे टाइम से एसवाईएल का मुद्दा लटका हुआ है, सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द वो हल होकर के हरियाणा का हक उसको मिले और भी दूसरी चीजें भी उसके अंदर है, ताकि उससे हमारा जो पानी यहाँ आकर के हर किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करें।